नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नगर पालिका खलायत में प्लांटों की रजिस्ट्री के लिए जरूरी प्रॉपर्टी आईडी ना बनाए जाने से नाराज कस्बा निवासी और प्रॉपर्टी डीलर नगर पालिका कार्यालय पहुँचे। यहाँ उन्होंने नगर पालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि राजू कौशिक को प्रॉपर्टी आईडी ना बनने को लेकर आ रही समस्याओं बारे अवगत कराया। इस दौरान नगर पालिका कर्मचारियों से स्थानीय लोगों और प्रॉपर्टी डीलरों की बहस भी हो गई। नगर पालिका कार्यालय पहुंचे मेहर भट्ट, दशरथ राणा, अशोक कुमार, राजेश कुमार, छोटू पंडित, करतार मोहन आदि ने बताया कि सरकार की ओर से प्लांटों की रजिस्ट्री के लिए नगर पालिका से प्रॉपर्टी आईडी बनवानी जरूरी की गई है, लेकिन पिछले करीब 3 से 4 महीने से नगर पालिका कार्यालय में प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनाई जा रही है। वे प्रॉपर्टी आईडी के लिए कई महीनों से नगर पालिका कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया है। प्रॉपर्टी आईडी ना बनने के कारण उन्हें तो परेशानी हो ही रही है, साथ साथ सरकार को भी लाखों रुपए का राजस्व का घाटा हो रहा है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से जल्द प्रॉपर्टी आईडी बनाने की गुहार लगाई है। उन्होंने शीघ्र प्रॉपर्टी आईडी ना बनाए जाने पर नगर पालिका कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की चेतावनी दी है। कलायत से हमारे संवाददाता कुलदीप परमार की रिपोर्ट। यहाँ नगर पालिका कार्यालय पहुँचे हो, क्या मामला है? ऐसे है जी, यहाँ की रजिस्ट्री बंद है, 3 महीने हो गए, कोई प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही। हर एक डीलर दुखी है, सौदा करना है, ये आईडी नहीं बनाते। जिन्हें प्लाट ले लिया वो कपड़े पाड़े भी मेरी रजिस्ट्री करवाओ। यहाँ आके बात करा ना, ये कुछ जवाब रूसर का दें दे, ना इनके संतुष्टि करा दे, ना मारी और ना लेने वाले के। हाँ जी, चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं भी मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों का सहयोग करूँगा। स्टाफ को भी बुला रखा था उन्होंने, उनको समझाया भी इनकी समस्या का हल करो भाई, इससे नगर की इनकम भी बढ़ेगी, लोगों की समस्या भी हल होगी। तो आपको क्या खामी दिखाई दे रही है, क्यों नहीं बन पा रही? खामी की बात सर जी ऐसे है, जो स्टाफ बैठा है ना, इनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं, ना ये सुनते। इनको अगर समझाते भी ना भी आप ऐसे कर लो, कहेंगे ना हमने कैथल में ये देखा, पानीपत में ये देखा, वहाँ के गीत गा रहे हैं, यहाँ के तो सुनते ही नहीं। तो आप क्या चाहते हो? ये चाह रहे हैं सर जी कि हमारी प्रॉपर्टी आईडी बढ़नी चाहिए, सुचारू रूप से काम होना चाहिए, जो सौदा हो जाए उसकी रजिस्ट्री पार निकलनी चाहिए। ये कोई फेल कर रहे हैं, कहते हैं हमें क्या वो कागज ला के दो, जो मालक रजिस्ट्री कराने के बाद क्यों आएगा यहाँ पर कागज लेके? सरकार ने हमें तो नुकसान हो रहा है, सरकार ने भी हमारे बराबरी लॉस हो रहा है जी, हमारी इनकम खत्म हो रही है। क्या मामला है आप यहाँ पहुँचे? यहाँ एक रजिस्ट्री करानी थी जी, 15 जून को एक फाइल दी थी और चक्कर काटूँ जी रोज, प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही। ये कहते हैं जी बनेगी, पीछे से कोई माने ज्ञान नहीं के है, वो नहीं आ रहा आप के बोले प्रोपल के बोल रहे हैं उसने, पोर्टल नहीं आ रहा है आप पीछे से, वो नहीं आ रहा, तो दुखी हो गए जी। और कितने दिन हो गए रजिस्ट्री? 15 जून को बंद हुई थी जी, 15 जून के बाद देखो या आज 23 तारीख होगी, 23 सितंबर होगी। मामला प्रॉपर्टी आईडी का है जी, अगर जो अब भी जैसे चेयरमैन ने हमारे को विश्वास दिया है, उसके बाद भी अगर प्रॉपर्टी आईडी रूटीन में नहीं बनेगी तो हम दरी बिछा के भी यहाँ बैठेंगे। प्रॉपर्टी आईडी का रजिस्ट्री के अंदर शामिल होना अनिवार्य किया है सरकार ने, और ये सरकार का एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। इससे जहाँ नगरपालिका की इनकम के अंदर वृद्धि होगी, साथ ही साथ प्रॉपर्टी आईडी के अंदर जो धांधली होती है, जो अनियमितताएं रहती हैं, और पारदर्शिता के तरीके से लागू किया गया है। जहां तक प्रॉपर्टी आईडी की गति बढ़ाने की ढीली है, उसको और गति दी जाएगी, ताकि ये जो लोगों की, जो प्रॉपर्टी एडवाइज़रों की और आम जनता की जो परेशानी है, इसको जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। तो कर्मचारियों का कहीं ना कहीं नाम आ रहा है भाई, गति नहीं दिया जा रही है आईडी को लेकर, तो कर्मचारियों की जहां तक बात है, इसके अंदर सेक्रेटरी साहब हमारे एडिशनल हैं, उनके पास कई नगर पालिकाओं के चार्ज हैं, उनको उनकी सेवाएं और ली जाएगी, ताकि इसमें गति को आगे बढ़ा लिया जाए। तो अन्य कर्मचारियों को भी क्या इसी प्रकार के कोई आदेश दिए गए हैं? अन्य कर्मचारियों की हमने अभी मीटिंग ली है, उनको आदेश दिए हैं कि जनता किसी भी तरीके से
परेशान नहीं होनी चाहिए, दुखी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनको इसके अंदर कोई कोताही ना बरते, सख्त आदेश दे दिए गए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।